ओके नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सेकेंड स्कैम क्या होता है जब आपके साथ कंपनी खोली जाती है। तो पहले मैंने बता दिया आपको कि एक तो वो इंग्लिश नाम का वगैरह हिसाब से जब आप इनको पेमेंट्स करते हो ना, ऑलवेज रिमेम्बर जब भी आप इनको पेमेंट करो जो भी आपका एग्रीमेंट वगैरह होता है। नाउ द सेकेंड स्कैम स्टार्ट होता है, ये आपके पास आते हैं और आपको बोलेंगे कि सर अभी तो आपका हमने डिस्काउंट दिया था इसलिए आपको लोकल एड लेना पड़ेगा। अगर आप डिस्काउंट नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, तो हम आपको 100% ओनरशिप के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं, लोकल एड की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट समझ लेना। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वाउचर निकालूंगा आपको लोकल एड लेना पड़ेगा, तो आपके पास आके बोलेंगे कि 1-2% आपको लोकल एड को देना पड़ेगा ताकि आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, रिजाइन करवा सकते हो। तो आप उनकी बातों में आ जाओगे कि हाँ सीरियसली 1-2% से जाता ही क्या है। बट जब वो आपके पास एग्रीमेंट भेजते हो जरूरी पढ़ लेना। मैंने मिस्टेक किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी भी बात बताऊंगा, मैंने मिस्टेक किया था। मेरे साथ एक मेरे पार्टनर थे कुशल नाम के, सो ही एक्सप्लेन मी कि सर यहाँ पे ये भी चीजें हैं। तो मैंने इतना गौर नहीं किया था इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके मान लो एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, उसमें फोर्टी फोर्टी दिखाते हैं और बाद में 1-2% बोल के 20% तक लोकल एड का शेयर डाल देते हैं। अब गेम समझ लें इसमें होता क्या है, जब भी कोई आपको 20% का शेयर की बात कर रहा है उसमें तो कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल होता है। जैसे मेरा सिंगापुर का कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल है $1,00,000, मतलब मैंने $1,00,000 बैंक में शो कराया था कि ये मेरी कंपनी का रेपो मतलब वैल्यू है। तो यहाँ पे इसने दिखाया था, लोग दिखाते हैं समवेयर अराउंड, अपनी बात नहीं, ओवरऑल दिखाते हैं कि 2,50,000 दिरहम के आसपास, मतलब मिनिमम 50 लाख के आसपास दिखा देते हैं। INR की बात कर रहा हूँ, मोर देन 50 लाख के ऊपर ही जाता है। तो सेकेंड स्कैम क्या बोलते हैं आपके साथ कि आपको 20% उसको देना पड़ेगा, सिर्फ पेपर वर्क पे है, आप कभी भी रिजाइन करवा सकते हो। बट रियलिटी में पेपर वर्क का नहीं होता है। जब वो बंदा आपके अगर कंपनी खुल भी जाती है, गलती से खुल भी जाती है इनके कहने पे, तो वो बंदा जो उस हिसाब से 20% कितना होता है 2,50,000 के ऊपर INR में, वापस बोलता है कि 50,000 दिरहम का कॉस्ट करता है, तो वो निकलने का भी वापस 50,000 आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। रियलिटी में मेन लाइन के ऊपर आपको ओनरशिप देने ही नहीं होती है। तो ये सेकेंड टाइम का स्कैम है कि वो बोलेंगे हम आपको डिस्काउंट दे रहा था, आपको लोकल एड लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसके ऊपर ध्यान दे ले।